दोस्तों, महिंद्रा अपनी नई स्कॉर्पियो को भारत में लॉन्च करने वाला है जल्दी ही, लेकिन इस बार आपको ये पूरी ही नए लुक में देखने को मिलेगी। साथ ही में इसके नाम में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। आपको स्कॉर्पियो के आगे अब स्टिंग देखने को मिलेगा, यानी कि इसका नाम अब स्कॉर्पियो स्टिंग के नाम से आपको देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी बिल्कुल नए अंदाज में, नए फीचर्स के साथ, नए इंजन के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे लुक की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो स्पाइड फुटेज है लगभग इसी टाइप की है, और पुरानी वाली स्कॉर्पियो से इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है बॉडी के हिसाब से। अगर हम बात करें तो इससे पहले वाली जो स्कॉर्पियो थी उसमें उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको नई हेडलाइट, नई टेल लाइट, बिल्कुल नए डिज़ाइन में देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अगर स्कॉर्पियो में मिलने वाले इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन मिलने वाले हैं। हाँ, स्कॉर्पियो में आपको अभी तक डीजल इंजन मिलता था, लेकिन अब पेट्रोल इंजन भी आपको स्कॉर्पियो में मिलेगा। और आपने नहीं देखी हमारी महिंद्रा थार की वीडियो तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा थार को इस बार महिंद्रा ने बिल्कुल नए अंदाज में लॉन्च किया, जिसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिले। साथ ही में जो हमने सोचा नहीं था वो भी उसमें दिया गया है, पेट्रोल इंजन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और काफ़ी सारे नए फीचर्स। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का काम आपको देखने को मिलने वाला है। अभी ये न्यूज़ भी निकल के आई है कि आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम महिंद्रा स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा, एप्पल और एंड्रॉयड कारप्ले वाला। साथ ही मैं अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो इस बार मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में AMT ट्रांसमिशन में भी आपको देखने को मिलेगी, और पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन भी आपको इस गाड़ी में मिलेगा इस बार, जो कि 2 लीटर का आपको लगभग मिलेगा। साथ ही में एमहॉक इंजन डीजल वाला तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है, उसको और ज़्यादा यहाँ पे महिंद्रा रिफाइन करेगा, क्योंकि इस गाड़ी की स्पाइड टेस्टिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। और ये गाड़ी इस बार आपको 4x4 में भी देखने को मिलेगी, तो ऑफ रोडिंग के लिए भी और ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। महिंद्रा स्कॉर्पियो आपको 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ मिलेगी। पहले भी ये 7 सीटर थी, लेकिन इस बार भी आपको 7 सीटर में देखने को मिलेगी, और हो सकता है इस बार महिंद्रा इसकी सीट्स को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना दे, क्योंकि महिंद्रा अब अपनी गाड़ियों को यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में भी अच्छा कर रहा है, साथ ही में कंफर्ट लेवल भी उनमें बहुत शानदार दे रहा है। और मैंने महिंद्रा थार नई वाली चलाई है, मैं उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इस गाड़ी में हो सकता है आपको इस बार सनरूफ देखने को मिले, तो यहाँ पे ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नई वाली XUV500 में आपको यहाँ पे बड़ा वाला सनरूफ देखने को मिलेगा, पैनोरामिक वाला। तो इस गाड़ी में भी हो सकता है आपको सनरूफ इस बार मिल जाए। वैसे इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको इस बार गाड़ी में नए अलॉय व्हील्स देखेंगे नए डिज़ाइन के, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो पूरे नए अंदाज के साथ आपको मिलने वाली है, नई टेल लाइट आपको मिलेगी बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ, और साथ ही में स्कॉर्पियो में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी इस बार मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करें, पहले आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें अब आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का सिस्टम मिल जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल का सिस्टम मिल जाएगा। अभी जो स्कॉर्पियो हमें मिल रही है करंटली इंडियन मार्केट में, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमें सिर्फ फ्रंट ब्रेक्स में डिस्क देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नई वाली है हो सकता है इसकी ब्रेकिंग को यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा बना दे महिंद्रा। महिंद्रा स्कॉर्पियो की अगर बेल्ट क्वालिटी की बात करें जो अभी हमें मिलती है, उसकी यहाँ पे ग्लोबल एनकैप में रेटिंग 0 आई थी 5 में से, तो यहाँ पे जो नई महिंद्रा स्कॉर्पियो आएगी उसकी बिल्ड क्वालिटी को भी यहाँ पे अच्छा बनाया जाएगा महिंद्रा की तरफ से। साथ ही में इस बार एयर बैग भी आपको बढ़ के मिल सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा अब अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग पेट्रोल इंजन लेने की सोच रहे थे, तो आपको बिल्कुल 100% गारंटी है इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड अब दिन पे दिन बढ़ने वाली है। और आप देख ही सकते हैं कंपटीशन के हिसाब से भी मारुति ने अपनी सारी डीजल गाड़ियां बंद कर दी हैं, तो इस हिसाब से सारी गाड़ियां अब पेट्रोल में आना शुरू होंगी। डीजल बंद भी नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल में भी आपको वो लोग अब गाड़ियां अवेलेबल करवाएंगे। अब यहाँ पे बात करें गाड़ी कब लॉन्च होगी, तो दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक लॉन्च का कुछ भी नहीं आया है, लेकिन गाड़ी आपको 2021 में मिल जाएगी ज़रूर इंडियन मार्केट में। और ये कब मिलेगी, इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या रहेगी, वो चीज़ें अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं, लेकिन जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे थोड़ी ज़रूर बढ़ने वाली है। और अगर आप पुरानी स्कॉर्पियो जो अभी मिल रही है उसे लेना चाहते हैं, तो उसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट बेनिफिट अभी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अभी फेस्टिवल सीज़न है। साथ ही में अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है उससे कुछ टाइम पहले भी आपको उसमें डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो आएगी
तो आपको वो तुरंत ही नहीं मिलेगी। उस गाड़ी में लगभग 5 से 6 महीने की वेटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। महिंद्रा थार की 15,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है और महिंद्रा थार का जो हार्ड टॉप वाला वेरिएंट है एलेक्स, उसकी बुकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो उस गाड़ी की वेटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी कर दी है महिंद्रा ने, तो प्रोडक्शन होगा उसके बाद गाड़ी मिलेगी, तो इसीलिए महिंद्रा स्कॉर्पियो नई आती है तो उसकी भी यहाँ पे बुकिंग आपको लंबी ही जाएगी। तो 2021 में अगर आती है तो हो सकता है 22 में आपको गाड़ी मिले, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और एक शॉर्ट अपडेट था महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में, और जिस हिसाब से लुक आपको देखने को मिल सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। और देख लेना, आपको कुछ इस तरीके की ही हेडलाइट देखने को मिलेंगी और कुछ इस तरीके का ही लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइड टेस्टिंग है उसमें से हेडलाइट और टेल लाइट हटा दी जाती है, गाड़ी को पूरा कवर कर दिया जाता है, तो उस वजह से समझ नहीं आता है, लेकिन अंदाजे से इसी तरीके का आपको लुक देखने को मिलने वाला है। बाकी फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।